मौत का कहर शायद फिल्मों में आपने सुना होगा, लेकिन शास्त्री नगर मामले में अपराधी अपनी डायरी के पहले पन्ने पर यह लिखा है। इस डायरी में कवर पर एक महिला का चित्र बनाया गया है तो अंतिम पेज पर खुद को सिकंदर लिखा गया। पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद आरोपी को कोटा से गिरफ्तार कर लिया है, जहां शास्त्री नगर में बच्ची से दुष्कर्म मामले का अपराधी जीवाणु उर्फ सिकंदर उम्र 34 वर्ष आदतन रेपिस्ट था। शास्त्री नगर की दोनों घटनाओं में यह अपराधी शामिल तो रहा ही है, साथ ही इन दोनों घटनाओं के अलावा अपराधी पर 10 अलग अलग मामले भी दर्ज हो चुके हैं। एक मामले में अपराधी उम्र कैद की सजा भी काट रहा था, लेकिन फिलहाल जमानत पर था। सिकंदर और जीवाणु को पुलिस ने कोटा से पकड़ा। हालांकि पुलिस के लिए अपराधी को पकड़ना थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा था, और इसकी एक बड़ी वजह थी इसका खानाबदोश होना, साथ ही किसी भी तरह के दोस्त परिवार पहचानने वाले नहीं होने के चलते पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सीसीटीवी फुटेज भी साफ नहीं थी और यही पुलिस के लिए सिरदर्द का काम रहा। हालांकि बड़ी जद्दोजहद के बाद पुलिस को कांस्टेबल मगरूब ने बताया कि कोटा में उसका जानकारी वाला बाबू चाय वाला है, जिसके बाद पुलिस ने टीमें बनाकर कोटा में इस अपराधी को धर दबोचा। मगरूब को इनके इन्फॉर्मर ने इत्तला दी कि इसका एक एसोसिएट मिलने वाला कोटा में चाय वाला बाबू चाय वाला है, अगर ये कोटा जाएगा तो बाबू चाय वाला के पास ही जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन इमीडिएट कोटा में जो पुलिस है उससे शेयर की गई कि ये हमारा सस्पेक्ट है, ये इसकी फ़ोटो है, ये इसकी मोटरसाइकिल है, ये इसके नंबर है, ये इसका हुलिया है और ये इस बाबू चाय वाला के पास जा सकता है। हमारी टीम ऑलरेडी निवाई में और टॉप में थी। कोटा में एक कॉन्स्टेबल है शिवराज, हेड कॉन्स्टेबल भीमगंज मंडी का, उसका हमारे सीआईयू टीम से लगातार संपर्क था। हमने ये इनपुट उसको दिया और उसने बाबू चाय वाले की गतिविधियों पे निगरानी रखी और ये आज जब अपने बाबू चाय वाले जो इसका मिलने वाला है उससे मिलने शाम को करीबन 5-6 बजे के 7 बजे के आसपास आया तो वहाँ इसको गिरफ्तार करने में सफलता मिली। शास्त्री नगर की दोनों बड़ी घटनाओं के पीछे वारदात करने वाला अपराधी पुलिस के लिए सिरदर्द बना, लेकिन इस बीच मुरलीपुरा की घटना से एक आस जगी। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि 2004 की इस वारदात में ये सामने आया था। सिकंदर उर्फ जीवाणु नाम के अपराधी ने 11 वर्ष के बालक के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद पानी की टंकी में उसे डुबो कर मार दिया था। पुलिस ने यहां से पड़ताल शुरू की और फिर कमरे में रखी खिलौना पिस्तौल को पीड़ित बच्ची ने पहचाना तो पुलिस को सही रास्ता मिल गया। जहां से रामगढ़ किराए के मकान को भी खंगाला गया, वहां से स्प्लेंडर प्लस गाड़ी और उसके बारे में कुछ जानकारी मिली। एक मामले में सिकंदर पुलिस पर हमला भी कर चुका है, जिसमें 2 बच्चों से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन अपराधी फरार होने में कामयाब रहा। इन्वेस्टिगेशन इसकी गंभीरता को देखते हुए ऑलरेडी इसका इन्वेस्टिगेशन डीवाईएसपी लेवल के अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है और इसका क्लोज सुपरविजन गौड़ साहब के द्वारा किया जा रहा था, मनोज जो डीसीपी नॉर्थ है इनके द्वारा किया जा रहा था। राइटिंग में सारी चीज़ें कि क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, साक्ष्य क्या एकत्रित करने, उस तरीके से बहुत डिटेल सारी चीज़ें की जा रही और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी इसमें चार्जशीट पेश करें और दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाएं। कुल मिलाकर इन दोनों मामलों से पहले सिकंदर पर करीब 10 मामले दर्ज हैं और पुलिस को आशंका है कि पूछताछ में और भी मामले उजागर हो सकते हैं जो कि रिकॉर्ड में नहीं आए। इस पूरे मामले में पुलिस की 20 टीमें और लगभग 500 जवान काम कर रहे थे, जो कि पिछले 7 दिनों से 2 घंटे भी नहीं सो पा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।